रात को जो है ना सीन कुछ यूं है, कुछ चीज़ें जो प्रिक्यूशंस हैं वो बता दूं, लाजमी उनका ख्याल रखना है। सो टुडे वी आर स्टिल गोइंग टू गिलगित। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है भाई? अभी रात को जो है ना सीन कुछ यूं है कि हम गिलगित से अराउंड कुछ 40 किलोमीटर्स पहले हमने स्टे कर लिया है, और स्टे करने के बाद हमने यहाँ पे टेंट लगा दिए हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से टेंट लगाए कि एक सबसे पहले टेंट लगाने की बहुत इंपॉर्टेंट सी जो बातें हैं, कुछ चीज़ें जो प्रिक्यूशंस हैं वो बता दूँ, लाजमी उनका ख्याल रखना है। एक तो रोड से बहुत दूर, वो देखिए आपको बाइक्स नज़र आ रही हैं, तो बाइक्स बिल्कुल हमने रोड के अंदर लगाई हैं। उसके बाद जो कैंपिंग एरिया है हमारा, वो हमने बिल्कुल इसलिए लिया है कि बहुत आगे तक जो है ना पत्थर वगैरह पड़े हुए, अगर कोई गाड़ी आती भी है तो वो रोड से काफ़ी दूर हमने कैंपिंग की है। ठीक है, अब हम आते हैं कैंपिंग की तरफ। कैंपिंग करने के लिए एक तो लोकेशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात बे रात गाड़ी कोई डिसबैलेंस होकर भी जो है बिल्कुल अंधेरा होगा भी, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो चूंकि चंद लाइट है। तो अब हमने यहाँ पर सिचुएशन कैसी बनाई है, ये है वन मैन टेंट। इस वन मैन टेंट को हमने इसलिए यहाँ पर लगाया है कि जो है वो हम अपना सारा सामान, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम इसमें सारा सामान डालेंगे। बाइक्स पूरी पूरी लोड है, तो ये सामान डालेंगे। और फिर दूसरा टेंट हमने लिया है थ्री मैन टेंट, कम से कम तो थ्री मैन टेंट जो है ना वो हमने लिया है यहाँ पर। तो उसमें ये सिनेरियो है कि हम तीनों बंदे उसके अंदर आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। और फिर साथ फिर हमने क्या किया, ये हमने स्लीपिंग बैग के मैट्रेस लिए हैं, कुछ मैट्रेस है हमारे पास, मैट्रेस हम इसके अंदर बिछाएंगे, और बिछाने के बाद जो है वो इसके अंदर स्लीपिंग बैग वगैरह भी हमारे पास मौजूद है, सारा सामान मौजूद है हमारे पास, वो सारा सामान इसके अंदर हम रख कर फिर रात में यहीं स्टे करेंगे। और जहाँ तक कि एक चीज़ बता दूँ मैं टेंट लगाने के तरीके की, बहुत सारे मतलब होते हैं, तो हमारे पास सिंगल लेयर टेंट है तो इसलिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर कोई, लेकिन अगर डबल लेयर टेंट आप लेते हो कभी भी, तो डबल लेयर टेंट पर ख़ास चीज़ों का कुछ ख्याल रखना है। वो ये ख्याल रखना है कि इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है इनर जो होता है वो अलग होता है, और ऊपर से जो है वो अलग चीज़ें हम रखते हैं। जो इसका अपर होता है वो इसलिए जो है ना इसलिए होता है कि अगर ओस पड़ती है या बारिश होती है, कुछ भी होती है, तो अंदर वाली साइड जो है ना वो गीली ना हो, या अंदर जो भी सो रहा हो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो प्रॉब्लम में ना आए। बाकी जो जाहिर सी बात आपको पता है, अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो फिर टेंट या कुछ भी कोई चीज़ रोक नहीं पाती है, तो यही चीज़ है। तो और ये भी ख़ास ख्याल रखना है कि जो इसका अपर होता है, इसका अपर जो होता है वो इनर वाली साइड से जो है ना टच ना हो, वो जो इसकी स्टिक्स होती हैं स्टिक्स से ऊपर ही रहे, क्योंकि अगर वो स्टिक्स से ऊपर ही रहेगा तो नमी इतनी जल्दी अंदर नहीं जाएगी। और बस टेंट लगाने के लिए प्रिकॉशंस यही हैं कि एक तो आप रोड से काफ़ी दूर लगाओ, और साथ साथ जो है वो टेंट लगाने में ये भी चीज़ें हैं कि आपके पास सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपका नाइट स्टे इस तरह के किसी जंगल में हो जाता है, तो अगर आपके इस तरह किसी नाइट स्टे ऐसे कोई जंगल में हो जाता है, तो आपके पास प्रॉपर सामान होना ज़रूरी है, चीज़ें होना ज़रूरी है। तो नाइट स्टे तो हो गया है यहाँ पर, अब उसके बाद जो चीज़ें ज़रूरी थी, रोड से दूर रखना, बाइक को सेफ रखना, सामान को सेफ रखना, ये तो हमारा तरीक़ेकार था जो हमने कर लिया। आप लोग लेकर आओ तो आप इससे ज़्यादा प्रिकॉशंस करना, और जगह ख़ास तौर पे देख के सिलेक्ट करना, हमने बहुत देख के सिलेक्ट किए। लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा कुछ नहीं है, दूर दूर पहाड़ काफ़ी दूर हैं, और इस तरफ पहाड़ काफ़ी दूर हैं, दोनों तरफ पहाड़ दूर हैं, तो लैंडस्लाइडिंग का भी कोई इतना खास हमें ख़तरा नहीं। और गाड़ी भी देखें बहुत दूर से जा रही है, तो रोड से भी हम काफ़ी दूर से दूर हैं, इसी वजह से ताकि हम सेफ साइड रहें। अपनी तरफ से पूरी एहतियात कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपको पता है। तो इवन जो सरफेस है, हमने सरफेस भी क्लीन कर लिए नीचे, क्योंकि टेंट हमारे सिंगल मतलब लेयर्स में, तो वो हमने सरफेस क्लीन कर लिए, मैटर्स हो गए, सारी चीज़ें हमने प्रॉपर कर ली हैं। अब हम जा रहे हैं सोने, खाना हमने खा लिया, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, रात गुजारते हैं यहाँ पर। और फिर सुबह सुबह जब यहाँ से निकलूँगा तो मैं सुबह भी आपको ब्लॉग बना के दिखाऊँगा, क्योंकि सुबह हमारा प्लान है यहाँ से गिलगित प्रॉपर पहुँचने का, 40-60 किलोमीटर कुछ रह गया है, तो पहुँचेंगे। और फिर बाकी का जो व्लॉग है वो सुबह ही सारी चीज़ आपको बताऊँगा कि सुबह कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आज का दिन इख्तिताम होता है यहाँ, आज का सफ़र हमारा भिशाम से यहाँ तक ही हुआ, क्योंकि रोड बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ही ख़राब रोड था, तो उतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हमने कुछ शॉट्स बनाए और एक दो घंटे हमें वहाँ पर स्टे भी करना पड़ा, क्योंकि रोड लैंडस्लाइडिंग की वजह से, और कुछ रैप वगैरह कर रहे थे वो लोग जो बना रहे थे काफ़ी जगह पे जो ना टुकड़े वकड़े उन्होंने जगह जगह पे, तो मशीनें लगी हुई थी, इस वजह से हमें वहाँ पे दो घंटे और वेट करना पड़ा, जिसकी वजह से हम अपना सफ़र प्रॉपरली नहीं कर पाए। लेकिन भिशाम से यहाँ तक का सफ़र बहुत मज़ेदार रहा, बहुत मज़ा भी आया, ऑफ रोड भी था साथ साथ। तो ये, और अगर वापस का सीन ये है कि अगर बाबूसर खुल जाए, दुआ करें बाबूसर खुल जाए, तो फिर वापसी में तो बहुत सारी जगह आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, हम चलते हैं
टेंट लगाना आपको समझ में आ गया होगा, सुबह टेंट खोलना भी सिखा दूंगा, तो हमारा सारा काम हो जाएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। हेलो गाइस, वेलकम टू द एडवेंचर्स ऑफ पाकिस्तान विद न्यू डे, विद न्यू होप्स, विद न्यू एनर्जी, विद न्यू डेस्टिनेशंस, विद न्यू मेमोरीज। सो टुडे वी आर स्टिल गोइंग टू गिलगित टूवर्ड बिशाम। रस्ते में रुके थे रात को, जैसे मैंने बताया कैंपिंग वगैरह हमने यहाँ पे की थी, तो अब मॉर्निंग हो गई है। सारा सामान वामान समेटने के बाद, तो मैंने बोला सब करने के बाद ही फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे अपना, क्योंकि अब निकलने का टाइम है। सामान सारा बांध लिया है बाइक पे। अब गिलगित शहर में बहुत थोड़ा सा रुकेंगे, आपको गिलगित शहर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा वहाँ पहुँच कर, बट आज का डे स्टार्ट होता है यहाँ से सुबह सुबह। अभी नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं किया है, बस बैठे हुए हैं ऐसे ही। तो बाकी लोग जो है वो अपने अपने सामान की तरफ थे, तो मैंने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया, बाइक वापस लोड की, सारे टेंट्स, स्लीपिंग बैग, सैडल बैग वगैरह सब कुछ वापस लोड कर लिए हैं। मेरी बाइक बिल्कुल रेडी है, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ बातें करनी थी, क्रिएट करना था, तो ये भी ज़रूरी है ना यार, आप लोग भी तो साथ साथ चलोगे ना। तो भाई बहुत मुझे फ़िलहाल तो एक अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स के ब्लॉग्स देखे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कई दफ़ा हम लोग साथ बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं। और अभी मैं रास्ते में बहुत सारे ट्रैवलर्स से मिला, जो बहुत सारे ऐसे थे जो मेरे एरियाज़ के थे, और बहुत सारे लोग कराची से हमें यहाँ पे मिले, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, यानी कि अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर यहाँ पर आए हुए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी मैंने कि जो लोग फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रैवल, जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब ऑब्ज़र्व भी करते हैं, बट उनको पास, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है शेयर करने के लिए चीज़ों को। जो मैंने चीज़ों ऑब्ज़र्व की वो मैं बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान टूर, पाकिस्तान टूर, पाकिस्तान टूर हम लोग गाते हैं, तो पाकिस्तान टूर करना मतलब कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं, प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जो मुझे आज से पहले नहीं पता था। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं उनसे आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल अभी हम चलते हैं गिलगित, गिलगित बल्तिस्तान के कुछ शहर देखते हैं, और फिर वहाँ से हमारा प्लान है हुंजा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम सेम ही प्लान पे करें और सारी चीज़ें हम सेम प्लान पे ही करते हैं। हाँ, तो भाई सीन ये है कि हमने अभी जिस जगह पे कैंपिंग की थी जी, उससे 2 मिनट दूर ही, समझे थोड़ी सी दूर ही जो है ना, एक छोटा सा होटल था जहाँ हम बैठ के अभी इस वक्त ये ब्लॉग कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे फैज़ान भाई, फैज़ान भाई ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, और इन्होंने मतलब बहुत ज़बरदस्त हमें रात पे खाना भी खिलाया था, फिर हमें करीब में ही जो है ना वो हमें कैंपिंग की जगह भी मिल गई थी, तो हमने फिर यहीं कैंपिंग कर ली। और सुबह उठते ही हम इनके होटल पर वापस आए, और आने के बाद जो है हमने फ्रेश फ्रेश यहीं से हुए सब। फैज़ान भाई, इस जगह का नाम बताएं ज़रा इनको। इस जगह का नाम है जी बर्ड्सलाई, ये बर्ड्सलाई इस जगह का नाम है, और गिलगित से अराउंड कोई 60 या 50 किलोमीटर ये पीछे है गिलगित से। तो इन्होंने अभी हमें सुबह सुबह ये फैसिलिटीज़ देने का बोला कि अगर आप चाहते तो रात में यहाँ करीब भी स्टे कर सकते थे। तो अगर आप यहाँ पर आओ, फैज़ान भाई से के पास आओ, इनसे मिलो, ये आपको जगह देंगे, और मतलब ये कह रहे हैं विदाउट कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, आपको इस जगह देंगे, नाश्ता करें आप इनके पास। इन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की हमारे साथ। तो इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम बर्ड्सलाई है, तत्ता पानी से थोड़ा सा पीछे। बर्ड्सलाई इस जगह का नाम है, तत्ता पानी से थोड़ा सा पीछे। भाई मुझे नहीं पता तत्ता पानी, मेरे सत्ता पानी ये आगे, लेकिन ये जो है फैज़ान भाई बताएंगे, और हम अभी जाएंगे तत्ता पानी। तो फैज़ान भाई और थोड़ा सा आगे जाएंगे ना जी, ये आगे गर्म चश्मे की 2 टंकियाँ, ऊपर से पाइप लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल पहाड़ से गर्म पानी आ रहा है, फिर उधर सारी आगे दीवार है। तो भाई फैज़ान भाई ने हमें बताया अभी आगे 2 गर्म पानी के चश्मे टॉप से आ रहे हैं, तो हम चलते हैं, हम चश्मों के ऊपर चश्मे पे रुकेंगे और गिलगित सिटी दिखाते हैं। बहुत लंबी हुई बात, आगे बहुत सारा इन्जॉयमेंट है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ फैज़ान भाई की तरफ से। ठीक है, चलो भाई, आप थैंक यू भाई। ये है कि जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज के बारे में मैंने रिपोर्ट भी दिखाया आपको, रेगुलर लोग माउंटेन रेंज।